आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि 5.5 साल के बाद मैंने फिर अपने वतन अपनी मिट्टी पर कदम रखे। थोड़ा सा पश्तो में कहना चाहूँगी कि नन जमा द जुंद टूल द खुशहाल रजदा चि जखपल वतन तो वापस रागली अमां पल पखावर व लाड़ा अमां अखपल दखल को सर मिलावे गमा और दिल ची कम जमुन टूल हम पुख्ता ने दी अमिर मुकाम से शो नूर ची कम मिलमाना रागली दिया तो पखेर रागली और सलाम हुए माँ डेरा मनना। मैं तमाम यहाँ पर जो हमारी गेस्ट है योर एक्सीलेंसीज ख्वातीन हजरात मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम बहुत ही खुश हूँ और अभी तक यकीन नहीं आ रहा अगर सच कहूँ आई स्टिल कांट बिलीव दैट दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग। ये सच है। मैंने पिछले 5 सालों में हमेशा से यही ख्वाब देखा है कि मैं अपने मुल्क में कदम रख सकूँ और हमेशा ही जब कभी जहाज़ में होती हूँ कभी गाड़ी में होती हूँ एंड आई सी द सिटीज़ ऑफ लंदन न्यूयॉर्क तो कहती थी कि बस इमेजिन करो कि पाकिस्तान है, इमेजिन करो कि तुम इस्लामाबाद में ड्राइव कर रही हो, इमेजिन करो कि ये कराची है। इट वॉज़ नेवर ट्रू। और जब आज देख रही हूँ तो बहुत खुश हूँ। मैं 1999 में पैदा हुई मैं ज़्यादा रोती नहीं हूँ बस आज पता नहीं क्योंकि मैं अभी 20 साल की हूँ लेकिन ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा। फ्रॉम ग्रोइंग अप इन स्वात वैली इतना खूबसूरत इलाका था टू देन सीइंग एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म इन 2007 टिल 2009 एंड देन सीइंग हाउ मेनी डिफिकल्टीज वुमेन एंड गर्ल्स फेस इन आवर सोसाइटी एंड हाउ वी कैन फाइंड अगेंस्ट दोज चैलेंजेस और फिर अटैक होना अपने मुल्क को छोड़ना एवरीथिंग वॉज जस्ट हैपनिंग इटसेल्फ लाइक यू कुड नॉट कंट्रोल एनीथिंग। अगर मैं चाहती तो मैं कभी भी अपने मुल्क को नहीं छोड़ती मगर यहाँ के डॉक्टरों ने मेरे लिए सर्जरी की और मेरी जान बचाई फिर फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आई हैड टू गो आउट एंड आई हैड टू कंटिन्यू माई एजुकेशन देयर एंड हमेशा से यही ख्वाब था कि पाकिस्तान जाऊँ वहाँ अमन से और बिना किसी खौफ से आई कैन मूव ऑन द स्ट्रीट्स आई कैन मीट पीपल आई कैन टॉक टू पीपल एंड आई कैन एंड इट्स देयर इज माय ओल्ड होम अगेन जैसे पहले था वैसा ही हो। सो इट्स एक्चुअली हैपनिंग एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू और इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो उसका फ्यूचर जनरेशन है वो उसकी लोग है इट्स द बिगेस्ट रिसोर्स दैट वी हैव। तो हमें इन बच्चों की तालीम में इन्वेस्ट करना चाहिए हमें इस पर काम करना चाहिए। मलाला फंड पहले से इस पर काम कर रहा है। वी हैव इन्वेस्टेड मोर देन $6 million इन पाकिस्तान इन गर्ल्स एजुकेशन वी आर कंटिन्यूइंग दिस वर्क और जो भी काम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे एडवोकेसी हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 12 इयर्स ऑफ सेफ क्वालिटी एंड फ्री एजुकेशन को हाईलाइट करना हो या रेफ्यूजी चिल्ड्रन के बारे में बोलना हो या क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बोलना हो या स्टेम स्किल्स के बारे में बोलना हो दिस इज़ समथिंग दैट वी हैव बीन डूइंग इन द लास्ट 5 years और वी विल कंटिन्यू टू डू सो। सो आई होप दैट वी ऑल कैन जॉइन हैंड्स इन दिस मिशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो हमारा मुस्तकबिल है वो सही तालीम हासिल करे वो औरतों को ख़ास तौर पर उनको वो एम्पावर हो वो कल को जॉब कर सके अपने कदमों पे खड़ी हो सके अपने लिए कमा सके। सो दैट्स द फ्यूचर दैट वी वांट टू सी और बहुत शुक्रिया आप सबके आने का एंड बस बहुत खुश हूँ आज अभी तक यकीन नहीं आ रहा पता नहीं और शायद थोड़ा सा और टाइम लगे कि मैं हूँ पाकिस्तान में। इट्स लिटरली अ ड्रीम बिल्कुल ख्वाब। थैंक यू।